केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने नदी के तट पर बने जैनियों के महान संत चंद्र प्रभु के मंदिर का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने जैन समाज को संबोधित किया। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर पत्रकारों के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पूर्व अनुमान में सब कुछ 100% सही नहीं होता है, समय का इंतजार करिए। हमें ईवीएम और जनता पर पूरा भरोसा है और पांचों राज्यों में भाजपा विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी और सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार के कथनी और करनी पर अंतर बताते हुए कहा कि जनता समय आने पर उन्हें भी जवाब देगी। देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ इस पावन भूमि पर, जो नंद प्रभा परिवार द्वारा और सबको जोड़ करके, सबको संजो करके प्राचीन सभ्यता संस्कृति है उसका स्वरूप और जो हमारी पृष्ठभूमि है उसका एक दर्शन इस परिसर के माध्यम से आज देखने को मिला। बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले हमारी जब बातचीत हुई थी तो मैंने कहा था मैं निश्चित रूप से आऊँगा, और जहाँ प्रभु हमेशा स्नेह और सानिध्य में रखते हैं वहाँ आदमी पहुँच जाता है। पर क्या कहेंगे पाँच राज्यों में भाजपा से? पाँच राज्य के चुनाव के संदर्भ में हम तीसरा दिन तक आज 1 तारीख हो गया, परसों रिजल्ट है। एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहा है। पेटी के अंदर मध्य प्रदेश के जो बोलने का लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें हमें कुछ मतलब ईवीएम हैक नहीं होगा ना इस बार? ईवीएम हैक नहीं होने जा रहा है ना? अगर रिजल्ट में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा रिजल्ट में क्लीन सीट पूरी भाजपा से। देखिए, हमें जनता पर विश्वास, जिन्होंने मत डाला उस पर विश्वास। देश की जनता देश के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाए, यही हमारा हम सब का प्रयास। भाजपा को हेमंत सरकार बता रही है व्यापारियों की जमात, वो क्या कर रहे हैं वो जनता देख रही है, इसलिए वो क्या कह रहे हैं वो समझे। बता दें कि जैन समाज द्वारा निर्मित बढ़कर नदी के तट पर 50 करोड़ के लागत से बने चंद्र प्रभु मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने जैन समाज के बुलावे पर पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश कुमार रजक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।